यह मणिमहेश यात्रा मेरी पांचवी मणिमहेश यात्रा थी, किंतु विशेष बात तो यह थी कि मैं इस बार किसी अपने के साथ इस यात्रा को कर रहा था और वो है मेरी प्रिय पत्नी। प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है सुजीत कुमार और आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपके लिए प्रस्तुत है मणिमहेश यात्रा की वह वीडियो सीरीज जो यात्रा मैंने अपनी पत्नी के साथ की। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और इस सीरीज के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए आप इस सुंदर मणिमहेश यात्रा का घर बैठे आनंद लीजिए। क्या पता इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आपके भीतर भी अपने जीवन साथी के साथ मणिमहेश यात्रा करने की इच्छा जागृत हो जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपके ऐसा करने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है और चैनल को आगे बढ़ने में आपकी ओर से सहायता प्राप्त होती है। जैसा कि सभी करते हैं, यात्रा शुरू करने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है और फिर घर से निकलना पड़ता है। दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से दिल्ली के राजधानी एक्सप्रेस के टिकट्स तो मैंने 2 महीने पहले से ही बुक करवा लिए थे। अब हमें यात्रा शुरू करने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो से अच्छा साधन और भला हो भी क्या सकता था। तो हम निकल चुके हैं और इस समय हम दिल्ली मेट्रो में। कहाँ जा रही है? मणिमहेश। तो हम जा रहे हैं मणिमहेश, मिलते हैं आपसे आगे पठानकोट। हो सकता है नीचे नई दिल्ली मिल जाए अभी थोड़ी देर में। अभी हम नई दिल्ली जा रहे हैं, नई दिल्ली से पकड़ेंगे ट्रेन, फिर सुबह पहुँचेंगे पठानकोट, पठानकोट से बस। तो सुबह शायद दोपहर तक हम भरमौर पहुँच ही जाए। तो चलिए मिलते हैं आगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से अब हम दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे नई दिल्ली, जहाँ से हमारी ट्रेन है आगे के लिए। चलिए चलते हैं आगे। चलो है? पठानकोट अपनी आगे की यात्रा के लिए। प्रणाम। कुछ कहना है आपको? मुझे कभी कुछ नहीं बोलती, बहुत कम बोलती। But I am so happy. आप हैप्पी हो? Yes. मतलब कारण? मैं घूमने जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, यात्रा जा रही हूँ। अच्छा, तो ये पहली बार आ रही है। मैं तो वैसे पांचवी बार जा रहा हूँ, पर आज पहली बार ही जा रहा हूँ। मेरी वाइफ के साथ मेरी नई शादी हुई है, तो अपना निर्णय था शिव हमारे आराध्य हैं, तो क्यों ना उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब ट्रेन चलेगी थोड़ी देर में और 3-4 बजे पठानकोट होंगे, तो आगे मिलते हैं पठानकोट में। टिल देन टेक केयर। दिल्ली से पठानकोट तक राजधानी एक्सप्रेस में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। पठानकोट पहुंचने के बाद हमें चंबा पहुंचना होता है, जो कि इस यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके लिए हमने पठानकोट बस स्टैंड से HRTC की एक बस पकड़ी। पठानकोट से चंबा 135 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रास्ता एक पहाड़ी रास्ता है, जिसे तय करने के लिए 5 घंटे या उससे कुछ अधिक समय लग सकता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं बनीखेत। यहां से लगभग 40-45 किलोमीटर और दूर है चंबा। पहले में एक डायरेक्ट बस मिल रही थी भरमौर की, पर हमने उसमें जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हम जा रहे हैं शिव जी के धाम, और शिव जी के धाम जाने से पहले परंपरा होती है भगवान विष्णु के मंदिर में जाने की, और भगवान विष्णु का मंदिर तो चंबा में ही है, जिसे लक्ष्मीनारायण मंदिर कहेंगे। तो पहले हम लक्ष्मीनारायण मंदिर जाएंगे, उसके बाद फिर भरमौर। तो चलिए आगे चलते हैं, तब तक देखिए कुछ नज़ारे बनीखेत के। के बाद हम परंपरा के अनुसार पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर की ओर गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में स्थित भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब भी हम शिवजी के धाम पर जा रहे हों, तो हमें भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि नारायण अर्थात भगवान विष्णु स्वयं महादेव के आराध्य हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान विष्णु के धाम पर जा रहे हों, तो हमें भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव स्वयं नारायण के आराध्य हैं। वास्तव में इन परंपराओं का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है हमें वेदों के इस महावाक्य को याद दिलाना, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है, किंतु ज्ञानी जन उसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं। बड़ी विशेष कृपा रही, हम मंदिर तो गए थे भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए, किंतु हमें यह पता नहीं था कि अब समय हो चुका था मोर मुकुट धारी की दोपहर की विशेष आरती का। Thank you.
पूरी रात का सफ़र, पूरी सुबह का सफ़र और लगभग दोपहर हो चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं चंबा। यह है चंबा का चुगान। अभी हम लक्ष्मीनारायण मंदिर से ही होकर आ रहे हैं और अब हम जाएंगे भरमौर। चुगान में कुछ समय बिताने के बाद हम भरमौर के लिए निकल गए। भरमौर के लिए गाड़ी हमें एक लंबे विलंब के बाद लगभग 5 बजे के आसपास मिली, किंतु बड़ी बात तो यह थी कि अभी हम राख तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि घने मेघ घिर आए और तेज वर्षा आरंभ हो गई और बाहर अंधकार सा छा गया था। भरमौर तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई, जिसके कारण हम कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पाए, किंतु अच्छी बात यह हुई कि रात बिताने के लिए हमें मंदिर प्रांगण के निकट ही एक घर में रात बिताने के लिए स्थान मिल गया और फिर कुछ खाकर हम सो गए।